नमस्कार, मैं हूं अनुराग। कोरोना वायरस की हर खबर आप तक पहुंचाते रहता है हमारा चैनल के माध्यम से हम लोग एएनटी नेशनल पर। सबसे पहले आपको ये कहना चाहेंगे कि आज जो लैब एसोसिएशन है, जो हांसी के लैब है, जितनी भी लैब है, वो कर्मचारियों के लिए, पत्रकारों के लिए, पुलिस के लिए या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए फ्री कर दी गई है। उनको यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है इस दौरान, तो जितनी भी हांसी में लैब रहेगी वो अपना इलाज कहीं भी करा सकते हैं। इसी विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ है ईश्वर सिंह जी, जो प्रधान है लैब एसोसिएशन के। उनसे सर नमस्कार। ईश्वर जी, नमस्कार जी। ईश्वर जी, मतलब क्या सोच के आपने ये फैसला लिया है कि सभी जो मतलब पत्रकार हैं, पुलिस हैं, डॉक्टर्स या फिर अनदर मतलब जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनका फ्री इलाज मतलब टेस्टिंग की जाएगी? देखो जी, जो ये देश पे जो महामारी आई हुई है देश के अंदर, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक फैसला लिया कि जो 24 घंटे पुलिस कर्मचारी और उससे रिलेटेड जो भी कर्मचारी हैं और पत्रकार बंधु हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे, जो 24 घंटे सफाई के काम में जुटे हुए हैं, तो उनके लिए भी हमने एक सोचा कि जितने भी हॉस्पिटल हैं हांसी के अंदर, हम उनमें सब में फ्री चेकअप करें ब्लड का। और हमने एक और हॉस्पिटल है हमारा, जैसे सोनाक्षी हॉस्पिटल की लैब रहेगी, वो इन कर्मचारियों के लिए 24 घंटे खुली रहेगी। और इसके अलावा एक सिसाईपुर साइड शांति हॉस्पिटल है हमारा, उसमें फ्री चेकअप रहेगा डॉक्टर के द्वारा, फ्री मेडिसिन रहेंगी और फ्री लैब टेस्टिंग रहेगी जो भी है। और हमने ये फैसला इसीलिए लिया कि जो 24 घंटे लोग बेचारे जो तत्पर हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के जो देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी थोड़ा इनका सहयोग करके हम भी आगे आए। तो किस प्रकार के मतलब टेस्ट आपके पास रहेंगे, मतलब नॉर्मल किस प्रकार के ये कर्मचारी टेस्ट करा सकते हैं, रूटीन में या फिर किस तरह से? जैसे कि रूटीन के ही चेकअप होगा, जैसे कि हमारा जैसे बुखार से रिलेटेड टेस्ट हो गए हमारे, ठीक है जी, खांसी जुकाम के अलावा जो उससे रिलेटेड जो टेस्ट हो गए हमारे, उनके लिए हमारी लैबें खुली रहेंगी। खुली रहेंगी जी। तो मतलब ये मतलब कब से आपने सोचा और कितने दिन हो गए आपको मतलब ये सेवाएं देते हुए? ये लगभग हमने 5 से 6 दिन हो गए जी, हम लगातार इस मुहिम में लगे हुए। तो अब तक कितने मतलब जो कर्मचारी है या फिर लोग आप तक मतलब पहुंच पाए या फिर उन तक मैसेज नहीं पहुंच पाया, तक क्या कारण मान रहे हैं? अभी तक हम परसों एसपी साहब से मिले भी थे जी, तो मैसेज थोड़ा सा कम गया है, तो हम नाके वाइज जा करके हम भी जागरूक कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं उनको, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत आती है तो आप आइए और अपना इलाज करवाइए। तो इसके लिए आपने टीम लगाई हुई है ना, मतलब समझाने के, अवेयर कराने के लिए? जी हाँ, हमारी लैब एसोसिएशन की पूरी टीम है, कम से कम 60 बंदे हैं हम पूरी हांसी के अंदर। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है जो कि इस कार्य में तत्पर है बिल्कुल, और वो 24 घंटे ही लगे हुए। तो हमारे एएनटी नेशनल पर देखिए दर्शक आपको देख रहे हैं, ऐसे में मतलब क्या संदेश मतलब उन कर्मचारियों के लिए, उन पुलिस कर्मियों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, मतलब जो भी सेवा में कोरोना वायरस के दौरान मतलब इस महामारी के दौरान सेवा में लगे हुए, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे सर? देखो सर, जो आदमी 24 घंटे अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज की सेवा में लगा हुआ है, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम रात दिन हम भी उनका सहयोग करें, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलें। और लास्ट में यही, जो एसोसिएशन से बन पाएगा हम भी उनके सहयोग में 24 घंटे तत्पर रहेंगे। तो ये थे ईश्वर जी, जो प्रधान है मतलब लैब एसोसिएशन के, जिन्होंने बताया कि हांसी में कोई भी लैब बंद होगी, मतलब दिन में जिनका टाइम निर्धारित है, लेकिन दो हॉस्पिटल, शांति हॉस्पिटल और सोनाक्षी, इन दो सोनाक्षी लैब, ये दोनों मतलब 24 घंटे सर्विस देगी और उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा जो कोरोना वायरस के युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे पत्रकार हो, या फिर पुलिस कर्मी हो, या फिर कोई डॉक्टर की क्यों ना हो, जो भी मतलब इस तरीके से इस जंग में जुटा हुआ है, कोई भी अधिकारी है, तो वो यहाँ आके अपना फ्री में टेस्ट करा सकता है, जिसकी ये लोग कोई फीस नहीं लेंगे। दिखाते रहेंगे आपको और भी ऐसी की जानकारी एंटी नेशनल पर, बताते रहेंगे क्योंकि देश हमारा है, देश के लोग हमारे गए, सबको जागरूक करना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है एंटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।